Hi everyone, welcome back to the virtual classes of control system, and today we will be learning about the concept of force current and force voltage analogy, and we will see how the numericals of these particular analogies can be correlated. Okay, so let's start. So our first slide is basically about the D'Alembert's principle. Okay, so actually D'Alembert's principle के बारे में जानने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई हमारे पास बॉडी है या कोई भी एंटिटी है जिसपे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं बाहर से, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो बॉडी के मोशन को अपोज करते हैं, ठीक है, और ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है रजिस्टिंग फोर्सेस, और ये रजिस्टिंग फोर्सेस मोशन के जस्ट अपोजिट लगते हैं, ठीक है। तो D'Alembert's प्रिंसिपल बेसिकली हमारा यही बताता है कि द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फॉर एनी बॉडी द एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेस एंड द फोर्सेस रजिस्टिंग द मोशन इन एनी गिवन डायरेक्शन शुड बी जीरो। ओके, अब देखिए क्या होता है कि जो भी हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, ये बेसिकली हम इनको कंसिडर कर लेते हैं, इनकी जो डायरेक्शन है उनका जो साइन है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं, और जितने भी रजिस्टिंग फोर्सेस हैं जो कि मोशन को अपोज कर रहे हैं तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो इसको हम लोग नेगेटिव से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहीं पे मैंने देखिए इस पॉइंट को मेंशन कर रखा है कि फर्स्ट चूज अ रेफरेंस डायरेक्शन। रेफरेंस डायरेक्शन का मतलब क्या, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो फोर्सेस मोशन के डायरेक्शन में या फिर रेफरेंस के डायरेक्शन में उनको पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, और जो अपोजिट टू द डायरेक्शन है रेफरेंस के उनको हम लोग नेगेटिव से कंसिडर करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग एक केस कंसिडर करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन का, ठीक। अब इस ट्रांसलेशनल सिस्टम में देखिए ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। इसको समझने से के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम का। तो सपोज करिए यहाँ पे मैंने एक मास लिया m, ये हमारा मास है m, और इस मास पे हमारा एक फोर्स लग रहा है जो कि क्या है f ऑफ t। अब जब फोर्स f ऑफ t यहाँ पे लग रहा है तो सीधी सी बात है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो क्या होगा x, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब इस पर्टिकुलर मास पे हमारे तीन इंपॉर्टेंट फोर्सेस लगेंगे जो कि इस मोशन के अपोजिट काम करेंगे। एक हमारा फोर्स अगर देखा जाए तो एक हमारा फोर्स होता है इनर्शियल फोर्स, जो कि क्या होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इसको बोलते हैं इनर्शियल फोर्स। दूसरा हमारा एक फोर्स लगता है विस्कस फ्रिक्शन के कारण या फिर डैम्पिंग के कारण, और इसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं बी मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। इसका मतलब ये जो डैम्पिंग फोर्स है ये बेसिकली एम मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी है। और तीसरा फोर्स हमारा होता है स्प्रिंग फोर्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ एस से, और इस ये क्या होता है के एक्स। स्प्रिंग बेसिकली हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करती है, और यहाँ पे भी अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे होंगे तो एक फोर्स एफ ऑफ टी एक्सटर्नल फोर्स की तरीके से काम कर रहा है, एक स्प्रिंग फोर्स है जो इसको रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, और एक हमारा डैम्पिंग फोर्स है, ठीक है। जो के हमारा है यहाँ पे ये स्प्रिंग फोर्स है को डिनोट करता है, और के उसका कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। बी हमारा क्या है, ये डैम्पिंग फोर्स को डिनोट करता है, और बी बेसिकली क्या है हमारा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कह सकते हैं, ठीक है, या फिर डैम्पिंग फ्रिक्शन कोफिशियंट कह सकते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि बी हमेशा हमारा क्या है, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है डिसिपेट हो रही है, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही डिसिपेट हो रही। तो इस मैकेनिकल सिस्टम में एनर्जी कहाँ कहाँ स्टोर हो रही, एक तो आपकी स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो रही होगी, और दूसरी जगह एनर्जी कहाँ पे स्टोर हो रही होगी आपकी इनर्शियल फोर्स में, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो एफ ऑफ टी हमारा एक्सटर्नल फोर्स है जिसको हम डिनोट करेंगे पॉजिटिव से, इसी तरीके से इनर्शियल फोर्स होगा जिसको हमने बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एम
डी टू एक्स बाई डी टी टू। ठीक, तो ये जो फोर्स है ये इनर्शियल फोर्स है, इनर्शिया का मतलब ही होता है अपोज द कॉज, तो ये इनर्शियल फोर्स है हमारा। और ये हमारा डैम्पिंग फोर्स है जो एफ सबस्क्रिप्ट डी से डिनोट हो रहा है, और ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, और ये हमारा क्या हो गया स्प्रिंग फोर्स। अब जितने भी ये रेजिस्टिंग फोर्स है इनको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, निगेटिव साइन से। हम इनको किससे डिनोट करेंगे, निगेटिव साइन से। आइए देखते हैं कि ये जो फोर्सेस है एक्सटर्नल फोर्सेस और रेजिस्टिंग फोर्सेस, इनको इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे हम लोग डिनोट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये इक्वेशंस मैंने मेंशन कर रखी हुई है, आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव है, एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव साइन है जो कि एफ ऑफ टी है मोशन के डायरेक्शन में। और तीन हमारे रेजिस्टिंग फोर्स है, एक इनर्शियल फोर्स है, दूसरा डैम्पिंग फोर्स है, तीसरा स्प्रिंग फोर्स है। और तीनों में आप देखिए यहाँ पे निगेटिव साइन लगा हुआ है। तीनों में आप क्या देख रहे हैं, निगेटिव साइन लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये मोशन के जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं। तो इन जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं, इनके डायरेक्शन को कंसिडर करके डी-लैम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने भी आपके फोर्सेस लग रहा है उनको आप सम अप कर दीजिए, और इनकी वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सम अप कर दिया, वैल्यूज रख दी, हमारी इक्वेशन क्या आ गई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन में क्या आ रही है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू इनर्शियल फोर्स दैट इज एम डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स। कौन से ऑर्डर की इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर की। हमेशा याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखा जाए, ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा डिपेंड करती है नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट। ठीक है, आपके सिस्टम में नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट कितने हैं। अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट्स क्या है, एक तो आपका स्प्रिंग हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, मास। तो ये स्प्रिंग और मास बेसिकली हमारे क्या है, स्टोरिंग एलिमेंट्स है। स्प्रिंग और मास हमारे क्या है, स्टोरिंग एलिमेंट्स है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये जो बी है हमारा बेसिकली ये कैसा है, ये हमारा डिसिपेटिंग एलिमेंट है। ठीक है, डिसिपेटिंग एलिमेंट। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमको ये चीज समझ में आ गई कि अभी हमारा जो इक्वेशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर क्या है हमारा, ये हमारी सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है। ठीक, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट्स देखे जाए तो हमारे कितने हैं, टू हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन अज्यूम करते हैं, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और एक आपके सामने सिस्टम है जो कि ट्रांसलेशनल मोशन में काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमें मास को कंसिडर करना है एज ए एंटिटी जो कि मोशन में है। तो यहाँ पे जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास दो मास है, एक मास m1 और दूसरा मास क्या है हमारा m2। इन दोनों मास को कंसिडर करना है और देखना है कि कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग मास m1 कंसिडर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक फोर्स क्या लग रहा है, एफ ऑफ टी। ठीक, एक फोर्स क्या लग रहा है, एफ ऑफ टी। अब इस फोर्स को, ये तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है एफ ऑफ टी, अब जो भी मास होगा उस पर्टिकुलर मास पे रेजिस्टिंग फोर्सेस भी लग रहे होंगे जो कि मोशन के अपोजिट होंगे। तो एक तो फोर्स आपका किसके कारण आएगा, स्प्रिंग के कारण आएगा। एक फोर्स किसके कारण आएगा, स्प्रिंग के कारण। बट स्प्रिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट से क्या हुई है, कनेक्टेड है। एक तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, एक्स वन डायरेक्शन में है, और ऊपर वाले मास में भी एक डिस्प्लेसमेंट है जो कि क्या, एक्स टू। तो इसका मतलब जो भी रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा स्प्रिंग का, वो हमारा क्या होगा, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करने के लिए लगेगा। ठीक है, एक्स वन माइनस एक्स टू। जिस बॉडी पे मास, जिस बॉडी का मास कंसिडर कर रहे हैं उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मान लेते हैं ज्यादा है, इसीलिए हमने एक्स वन माइनस एक्स टू कर दिया। दूसरा फोर्स हम लोग देखेंगे तो आपका इनर्शियल फोर्स लगेगा, वो आपका क्या होगा, एम वन डी टू, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या, डी टू एक्स वन अपॉन डी टी टू। ठीक, और तीसरा अगर फोर्स देखा जाए तो तीसरा फोर्स क्या लगेगा, डैम्पर लगेगा।
जो कि क्या होगा बी वन डी बाई डी टी और एक्स वन माइनस हमारा, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू। तो तीन फोर्सेस लग गए, एक हमारा स्प्रिंग फोर्स, दूसरा हमारा इनर्शियल फोर्स और तीसरा फोर्स कौन सा है, डैम्पिंग के कारण। इसी तरीके से M2 का जब आप लगाएंगे तब M2 पे देखेंगे, अब M2 पे क्या होगा, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा और एक फोर्स कौन सा होगा, M2 का इनर्शियल फोर्स होगा। तो जब M2 को कंसिडर कर रहे होंगे तो पांच फोर्सेज लग रहे होंगे, एक स्प्रिंग K1 के कारण, एक डैम्पर B1 के कारण, एक डैम्पर B2 के कारण और एक हमारा K2 के कारण और एक मास का इनर्शियल फोर्स। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम में अगर आप देखिए हमारा इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम आपको मिलेगा। ये मास M1 का है जिसमें हमारे फोर्सेस ये हैं Ft, ये स्प्रिंग फोर्स, ये इनर्शियल फोर्स, ये डैम्पर। उसी तरीके से मास M2 का फ्री बॉडी देखेंगे तो ये स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, ये डैम्पिंग फोर्स, ये मास M2 पे जो उसका रेजिस्टिंग फोर्स होगा K2X2, ठीक, ये हो गया। इसी तरीके से ये इनर्शियल फोर्स और ये उसका डैम्पिंग फोर्स। तो यहाँ पे ये दोनों इसके लिए क्या होंगे, एक्सटर्नल फोर्स की तरीके से काम कर रहे होंगे, ठीक है, ये कैसे काम कर रहे होंगे, एक्सटर्नल फोर्स की तरीके से। मास M1 में ये किस तरीके से काम कर रहा होगा F of T, ये एक्सटर्नल फोर्स की तरीके से काम कर रहा होगा। और बाकी फोर्सेस क्या होंगे, जो ये सारे नेगेटिव साइन से डिनोट होंगे, ये सारे कैसे डिनोट होंगे, नेगेटिव साइन से। इसी तरीके से ये भी क्या होंगे, नेगेटिव साइन से डिनोट होंगे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब आपको जब भी डिलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगाना होगा तो आप क्या करोगे, एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक, एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस जो भी रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं उनके डायरेक्शन को कंसिडर करके हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो। तो आपके पास दो इक्वेशन मिलेंगी, एक इक्वेशन मिलेगी आपको मास M1 पे मिलेगी फ्री बॉडी पे और दूसरी इक्वेशन कहाँ मिलेगी, इक्वेशन नंबर टू, ये मिलेगी मास M2 पे मिलेगी, ठीक। तो आप इसको इस यहां से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमने सपोज करिए रोटेशनल सिस्टम कंसिडर किया, रोटेशनल सिस्टम कंसिडर किया तो रोटेशनल सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास एक फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, यहाँ पे टॉर्क है और टॉर्क हमने देखी यहाँ पे पर्टिकुलर हमने एक सेगमेंट ले लिया और वहां पे देख रहे हैं टॉर्क। उसके बाद इनर्शिया का फोर्स या इनर्शिया का टॉर्क, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं तो इनर्शियल टॉर्क। इसी तरीके से जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा उसका मास होगा और उसके कारण हमारे पास वो पर्टिकुलर वहां पे कहीं ना कहीं कोई डैम्पिंग का मैकेनिज्म होगा, तो यहाँ पे देखिए डैम्पिंग मैकेनिज्म है तो यहाँ पे डैम्पिंग को कंसिडर किया। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर रोटेशनल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि स्प्रिंग टॉर्क को बेसिकली डिनोट कर रही होगी। तो यहाँ पे डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल से एक्सटर्नल फोर्सेस को और रेजिस्टिंग फोर्सेस को ऐड करके विद देयर साइन हमारे पास वैल्यू ये आ जा रही, ठीक है। और यहाँ पे कंसिडरेशन भी क्या होगा, यहाँ पे भी कंसिडरेशन हमको क्या करना है, अगर स्टोरिंग एलिमेंट्स देखे जाए तो स्टोरिंग एलिमेंट क्या है, एक तो हमारा क्या है इनर्शिया, ठीक है, एक स्टोरिंग एलिमेंट इनर्शिया है, दूसरा स्टोरिंग एलिमेंट, एक स्टोरिंग एलिमेंट हमारा इनर्शिया है और दूसरा क्या है स्प्रिंग। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हमको इसका मतलब ये, यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए इक्वेशन का, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ODE कितना होना चाहिए, होना चाहिए टू, ठीक। तो हम इसको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ टी इक्वल्स टू जे डी टू थीटा टी अपॉन डी टी टू प्लस बी थीटा टी अपॉन डी टी प्लस के थीटा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ODE इक्वेशन क्या है, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है, स्टोरिंग एलिमेंट्स का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। अब समझते हैं एनालॉगस सिस्टम क्या होते हैं, क्योंकि हमारा जो ये पर्टिकुलर वीडियो है यहाँ पे हमारा फोकस क्या है, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी और फोर्स करंट एनालॉजी पढ़ना। देखिए होता क्या है कि सपोज करिए इंडस्ट्री में हमारे पास इंजीनियर्स पहुंचते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियर भी होगा, सिविल का भी इंजीनियर होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होगा और सबको अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टाइज होगा। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा तो वो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही है,
कहाँ पे एनर्जी डिसिपेट हो रही है, कौन सा स्टेट वेरिएबल है, ठीक है, किस तरीके के सिस्टम में नॉन लिनियरिटी है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अपने डोमेन में क्या है, एक्सपर्टाइज है उसकी। इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियर होगा, उसको टॉर्क, ठीक है, इनर्शिया, फोर्स, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग, इन सब का क्या होगा, अच्छे से एनालिसिस होगी, किस तरीके का स्ट्रेस है, क्या यंग मॉडुलस है, तो वो अपनी फील्ड में स्पेसिफिक है। तो बट अगर सपोज करिए उन सबको टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया हुआ है, और उस टास्क को समझने के लिए सिस्टम्स को आपस में एक दूसरे से कोरिलेट किया जाता है, अलग अलग डोमेन्स के सिस्टम को आपस में कोरिलेट किया जाता है, जिससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो और ये समझा जा सके कि सिस्टम के कौन सा स्टेट वेरिएबल दूसरे सिस्टम में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और क्या इंटरडिपेंडेंसी हो सकती है, और क्या एनालॉगस जो ऑब्टेन हो रहे हैं उनमें किस तरीके का रिलेशनशिप है। तो इसीलिए हमारे पास एनालॉगस सिस्टम का कॉन्सेप्ट आता है कि मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाए, या इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के कौन से पैरामीटर्स हैं और उनको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं मैकेनिकल सिस्टम के पैरामीटर से। तो एनालॉगस सिस्टम का बेसिक फंडामेंटल यही है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे फोर्स वोल्टेज एनालॉजी, और हम लोग एक सीरीज आरएलसी सर्किट कंसीडर करते हैं, और हम कोशिश करते हैं इस सीरीज आरएलसी सर्किट से जो इक्वेशन हमको मिले उसको रिलेट करेंगे मैकेनिकल सिस्टम के इक्वेशन से जो कि फोर्स की है, और फिर चेक करेंगे कि कौन सा पैरामीटर मैकेनिकल सिस्टम के पैरामीटर से किस तरीके से डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट्स हमारे दो हैं, कौन कौन से, एक तो क्या है हमारा इंडक्टर और दूसरा क्या है कैपेसिटर। तो एक इंडक्टर है और कैपेसिटर। इंडक्टर में आपको मालूम है जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। अगर इंडक्टर में स्टेट वेरिएबल देखा जाए, इंडक्टर का स्टेट वेरिएबल देखा जाए, तो यहाँ पे जो वेरिएबल होता है बेसिकली वो क्या होता है, इंडक्टर करंट, और यहाँ पे जो स्टेट वेरिएबल होता है वो कैपेसिटिव वोल्टेज। ये एनर्जी कैसी है कैपेसिटर के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। दो स्टेट वेरिएबल है, एक आई एल और वी सी, और इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर देखा जाए ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट्स के बराबर होगा। तो जितने स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं उसके बराबर, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, आइए हम लोग केवीएल लगाते हैं और कोरिलेट करते हैं यहाँ पे। तो अगर केवीएल लगाते हैं, सपोज केवीएल लगाते हैं इस पर्टिकुलर सर्किट में, तो यहाँ पे देखिए आई करेंट हमारा ये है, ठीक, आई मल्टीप्लाइड बाई आर, तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा प्लस माइनस जो कि क्या होगा वी आर, इसी तरीके से एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आएगा जो कि क्या होगा वी एल, और इसी तरीके से एक वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा यहाँ पे आएगा जो कि क्या होगा वी सी। तो इक्वेशन अगर हम लोग लिखे केवीएल लगाने पे, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस, टाइम डोमेन में तो जो भी वेरिएबल्स होंगे उसको स्मॉल लेटर्स में दिखाएंगे, तो आई हमारा वेरिएबल, ठीक, एल डी आई बाई डी टी, क्यों, क्योंकि वी एल जो होता है वो एल डी आई बाई डी टी, प्लस कैपेसिटिव वोल्टेज को कैसे डिनोट करेंगे, वन अपॉन सी इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। कैसे आया, आप जानते हैं इस फॉर्मूले से तो आपको बिल्कुल अवेयर होंगे कि VC इक्वल्स टू क्या होता है, अगर देखा जाए VC की वैल्यू 1 अपॉन C IDT आ रही है, तो अगर VC की वैल्यू को हम लोग रिलेट करें, तो मैं आपको आपको इसको करंट से रिलेट करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आए। तो आप जानते हैं इस कैपेसिटर के अक्रॉस करंट होगी हमारी IC जो कि I के बराबर है, और IC की वैल्यू क्या होती है, I के बराबर है, तो ये I इक्वल्स टू ये क्या होता है, C डी वी सी बाई डी टी। ठीक है, तो यहां से अगर VC की वैल्यू निकाली जाए तो VC की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन सी आई डी टी आएगी। तो यहाँ पे फर्दर हमने इसीलिए यहाँ VC की जगह क्या लिख दिया है, 1 अपॉन सी आई डी टी। फर्दर हम लोग देखते हैं, हम एक assumption assume करते हैं, ठीक, assume क्या करते हैं कि जो I करंट है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या है, चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा,
आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, वैल्यू हम लोग का जहां जहां आई है वहां पे डी क्यू बाई डी टी लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई की जगह डी क्यू बाई डी टी प्लस एल डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस, यहाँ पे इंटीग्रल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू बाई सी। इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग ठीक डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये सबसे पहले क्या आ जाएगा एल डी टू क्यू अपॉन डी टी टू प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी। तो हमारी इलेक्ट्रिकल इक्वेशन जो वोल्टेज की आ रही है, जो सप्लाई वोल्टेज की आ रही है, वो क्या आ रही है, E इक्वल्स टू एल डी टू क्यू अपॉन डी टी टू प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी। अब हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि मैकेनिकल सिस्टम की इक्वेशन से कंपेयर करें। तो जब मैकेनिकल सिस्टम की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमारे इस तरीके से फंडामेंटल आता है। देखिए आइए हम लिखते हैं इक्वेशन मैकेनिकल सिस्टम की और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए। तो मैकेनिकल सिस्टम में फोर्स क्या होता है हमारा, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम की इक्वेशन देखा जाए तो वो क्या आ रही है, एल डी टू क्यू अपॉन डी टी टू, ये बेसिकली वोल्टेज की इक्वेशन, प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो कंपेयर करने में सबसे पहले समझ में आ रहा है ये हमारी इक्वेशन किसकी है, मैकेनिकल सिस्टम की। और यहां पे ये जो इक्वेशन है ये केवीएल लगाया है हमने सीरीज आरएलसी सर्किट में, सीरीज आरएलसी सर्किट में। इक्वेशन को कंपेयर करिए, देखिए फोर्स किससे रिलेट कर रहा है, ई से रिलेट कर रहा है। मास किससे रिलेट कर रहा है, इंडक्टेंस से रिलेट कर रहा है। स्टिफनेस के जो है मैकेनिकल सिस्टम में, स्टिफनेस के किससे रिलेट कर रही है, 1/c से रिलेट कर रही है, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। डैम्पिंग कोफिशिएंट भी जो यहाँ पे वो किससे रिलेट कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस से कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे x है वो यहाँ किससे डिनोट कर रहा है, चार्ज से। तो ये फोर्स वोल्टेज एनालॉजी का कॉन्सेप्ट है ठीक है। आइए फोर्स करंट एनालॉजी देखते हैं। फोर्स करंट एनालॉजी में भी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन बनेगी, दो हमारे स्टोरिंग एलिमेंट्स है ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आई करंट है, आई करंट इज स्प्लिटेड इनटू रेजिस्टिव करंट, इंडक्टिव करंट एंड कैपेसिटिव करंट। तो हम लिख सकते हैं कि आई इज बेसिकली व्हाट, आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। कहां से आया, केसीएल लगाया हमने ठीक। आई आर की अगर वैल्यू देखे जाए तो ये क्या आ जाएगी, हर ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज क्या है हमारा, ई है। कैपेसिटेंस के अक्रॉस भी ई वोल्टेज, इंडक्टेंस के अक्रॉस भी ई वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी ई वोल्टेज। तो हम लोग आई आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ई बाई आर। इसी तरीके से आई एल की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/L इंटीग्रल ऑफ ई डी टी। और आई सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डेल ई बाई डी टी। इंडक्टर करंट कैसे निकाला गया, आप जानते हैं इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए इंडक्टर करंट की वैल्यू निकाले आई एल, तो हमारी क्या आ जाएगी, 1/L ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वोल्टेज वी एल को हमने किससे डिनोट कर रखा है, ई से, तो ये हमारी आ जाएगी डी टी। तो ये बेसिकली यहाँ से इंडक्टर करंट आ रहा है, ये हो गया। अब एजम्पशन एक लेते हैं, एजम्पशन ये लेते हैं कि हमारा सपोज करिए जो वोल्टेज है इसको हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, डी फाई बाई डी टी से ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से डिनोट कर सकते हैं। इसको कंसिडर कर लेते हैं और नेगेटिव साइन को भी नहीं कंसिडर कर रहे, खाली मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो आई की वैल्यू क्या हो जा रही है, 1/R डी फाई बाई
डी टी प्लस वन अपॉन एल ई डी टी है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे खाली बचेगा फाई बाई एल, और यहाँ क्या बचेगा सी डी टू फाई बाई डी टी टू। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं, सी डी टू फाई बाई डी टी टू ठीक, प्लस वन अपॉन आर डी फाई बाई डी टी प्लस फाई बाई एल, और फाई ध्यान रखना फाई है क्या बेसिकली हमारा फ्लक्स है ठीक। एनालॉजी को कंपेयर करते हैं आइए मैकेनिकल सिस्टम से, अगली स्लाइड पे आते हैं। ये देखिए फोर्स करंट एनालॉजी है हमारी, फोर्स करंट एनालॉजी में हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं देखिए, तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं मैकेनिकल सिस्टम की, जो कि क्या है एम डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स, और यहाँ पे हम लोग जो अभी हमने पैरेलल सर्किट के इक्वेशन निकाली हुई है उसकी लिख लेते हैं, क्योंकि करंट एनालॉजी है तो करंट एनालॉजी में हम लोग यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं, तो हमारी ये क्या आ रही है आई इक्वल्स टू, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा डी टू फाई बाई डी टी टू प्लस वन अपॉन आर डी फाई बाई डी टी प्लस फाई बाई एल ठीक। ये मैकेनिकल सिस्टम का है ठीक, ये मैकेनिकल सिस्टम की है, और ये हमारी क्या है इलेक्ट्रिकल सिस्टम की ठीक, ये हमारी क्या है इलेक्ट्रिकल सिस्टम की ठीक। अब यहां पे कंपेयर करिए, यहां पे जब कंपेयर कर रहे हैं हम लोग तो फोर्स किससे यहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है करंट से, और डिस्प्लेसमेंट किससे कंपेयर हो रहा है फ्लक्स से, आप देखिए डिस्प्लेसमेंट एक्स है और यहाँ पे क्या है फ्लक्स। मास किससे रिप्रेजेंट हो रहा है कैपेसिटेंस से, मास हमारा ये देखिए और यहाँ पे क्या है कैपेसिटेंस। डैम्पिंग कोफिशिएंट किससे रिप्रेजेंट कर रहा है वन अपॉन आर से। स्टिफनेस किससे रिप्रेजेंट कर रही है हमारी वन अपॉन के है, ये बेसिकली इलास्टेंस को डिनोट करता है, तो अगर स्टिफनेस देखा जाए तो स्टिफनेस किससे किसको डिनोट कर रही है इंडक्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स को, वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी ई को। तो इस तरीके से हम सिस्टम को कोरिलेट कर सकते हैं। कभी भी कंफ्यूजन हो फोर्स करंट एनालॉजी में और फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में तो डैम्पिंग वाला आपको हेल्प करेगा। डैम्पिंग में क्या होता है एनर्जी डिसिपेट होती है, इसका मतलब दोनों एनालॉजीज में अगर आप देखेंगे तो पहली वाली एनालॉजी में डैम्पिंग क्या थी जो हमारी R के प्रोपोर्शनल थी, और इस वाली एनालॉजी में डैम्पिंग क्या है रेसिप्रोकल ऑफ R है, मतलब R ही रहेगी, एक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरे वाले में आप कह सकते हो वन अपॉन R हो जाएगी ठीक। और वन अपॉन R को क्या बोलते हैं कंडक्टेंस ठीक है। आइए न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं, हमें इस न्यूमेरिकल में एनालॉगस सर्किट बनाना है ठीक है। न्यूमेरिकल आपके सामने ठीक, और कौन सी एनालॉजी यूज करनी, हमें फोर्स वोल्टेज एनालॉजी से इस न्यूमेरिकल को बनाना। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल करना होगा इस एनालॉजी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको आइडेंटिफाई करने, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैकेनिकल सिस्टम में, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन मैकेनिकल सिस्टम इक्वल्स टू नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स इन, नंबर ऑफ लूप्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहां पे नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितने हैं टू, और नंबर ऑफ लूप्स भी क्या हो जाएंगे हमारे दो लूप आ जाएंगे ठीक। दूसरी बात, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में हमने क्या बनाया था सीरीज आरएलसी सर्किट बनाया था, इसका मतलब अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्स वन और डिस्प्लेसमेंट एक्स टू है तो ये जो मोशन हो रहा है एम वन मास और एम टू मास जो है बेसिकली इन दोनों के बीच में अगर ये बी वन और के टू लगे हुए हैं तो ये आपस में हमेशा याद रखेगा सीरीज में कनेक्टेड होंगे, बी वन और के टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सीरीज में कनेक्टेड होंगे ध्यान रखिएगा। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में
अगर शेयरिंग हो रही है कंपोनेंट, शेयरिंग हो रही है हमारे पैरामीटर्स की, तो सीरीज आरएलसी सर्किट में वो सीरीज में लगते हैं, ठीक। और ये भी आप समझ कर लीजिएगा, जब हम लूप बना रहे होंगे तो एक आपका लूप बनेगा, सपोज करते हैं ये लूप टू बनेगा, और एक इधर से लूप बनेगा लूप वन। तो लूप वन और लूप टू के, लूप वन और लूप टू के बीच में हमारे ये दो शेयरिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये दो हमारे शेयरिंग एलिमेंट्स हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसको पहले रब कर देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। चलिए, अब आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम को देखिए और एनालाइज करिए जो चीज मैंने बताई वो यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं। सबसे पहली बात, दो डिस्प्लेसमेंट थे, डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से थे, x1, x2, दो डिस्प्लेसमेंट थे। तो यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट के कारण दो लूप बन रहे थे, दो लूप बने, बिल्कुल सही। फोर्स किससे रिप्रेजेंट है, हमारा वी से। फोर्स किस पे लग रहा है, मास पे लग रहा है, तो वो सीरीज में कनेक्ट हो गया, जो कि हमारा इंडक्टेंस है L2। मास M2 किसको डिनोट करेगा, L2 को डिनोट करेगा। उसके बाद दूसरा लूप बनाएंगे, उस दूसरे लूप में क्या होगा, मास M1 होगा। और यहाँ पे C किसको डिनोट, जो हमारा K1 है ये बेसिकली किसको डिनोट कर रहा होगा, 1/C1 को कर रहा होगा। लूप वन और लूप टू के बीच में शेयरिंग एलिमेंट्स क्या है, B1 और K2। बी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R1 को। और K2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/C2 को। तो दोनों लूप्स के बीच में शेयरिंग एलिमेंट क्या है, R1 और 1/C2। और ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो इसमें एक B2 कंपोनेंट आएगा और एक आएगा B3 कंपोनेंट, ठीक है, B2 और B3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसीलिए यहाँ पे R2 और R3 सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर रखा हुआ है। तो आप इस तरीके से फोर्स वोल्टेज एनालॉजी बना सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्स करंट एनालॉजी कंसीडर करते हैं। फोर्स करंट एनालॉजी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हम सपोज करते हैं कि आपकी बार हमारी से सरफेस है वो कैसी है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो जब फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसका मतलब B2 की वैल्यू क्या है, 0, और B3 की वैल्यू क्या है, 0। तो जब हम लोग करंट एनालॉगस में बनाएंगे इसको, सर्किट बनाएंगे, पैरेलल सर्किट बनाएंगे, तब क्या होगा, B2 और B3 का इम्पैक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपको मालूम है जब भी फोर्स करंट एनालॉजी लगाते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या लगाते हैं, KCL का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए KCL का कॉन्सेप्ट आता है, और KCL किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ नोड्स के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इन मैकेनिकल सिस्टम, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन मैकेनिकल सिस्टम इक्वल्स टू नंबर ऑफ नोड्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, X1 और X2। तो डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, X1 X2। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने नोड होंगे, दो नोड होंगे। तो सबसे पहले एक नोड बनेगा, जो कि एक नोड हमारा X2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है, मान लेते हैं नोड वन। और दूसरा नोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, X1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसको मान लेते हैं नोड टू। तो दो नोड है यहाँ पे। अब इस पर्टिकुलर नोड पे जितनी भी चीजें लगी होंगी, नोड वन में जितनी भी चीजें लगी होंगी, क्या क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा, मास लगा हुआ है, B1 लगा हुआ है, K2 लगा हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, जब आप नोड को रिप्रेजेंट करेंगे वोल्टेज के फॉर्म में, ठीक है, नोड को रिप्रेजेंट करेंगे वोल्टेज के फॉर्म में, तब आप क्या करेंगे, उस नोड पे जितने भी कंपोनेंट्स लगे होंगे उनको एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगा देंगे। देखिए डायग्राम ध्यान से, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे ठीक, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हमारे पास कितने नोड हैं, यहाँ पे हमारे पास दो नोड हैं, एक हमारा नोड क्या है, V1, और दूसरा नोड क्या है, V2। अब देखिए जो V2 नोड है उस पर क्या क्या लगा है, फोर्स लगा है, फोर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, IT से। दूसरा V2 नोड पे हमारा मास M2 लगा हुआ है, तो मास को किससे रिप्रेजेंट किया हमने, C2 से।
और वी टू नोड पे हमारा क्या लगा है, डैम्पर लगा हुआ है, तो डैम्पर को किससे रिप्रेजेंट किया है, वन अपॉन आर वन से। स्प्रिंग लगी है तो किससे रिप्रेजेंट किया है, वन अपॉन एल टू से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सीरीज, यहाँ पे हमारे पास पैरेलल सर्किट होता है करंट एनालॉजी में। याद रखिएगा जब फोर्स करंट एनालॉजी लगा रहे थे तो केसीएल लगाते समय पैरेलल सर्किट का कंसिडरेशन लिया था, तो इसीलिए यहाँ पे इस नोड से जितने भी सर्किटरी जुड़ी जुड़ी रहेगी वो पैरेलल में रहेगी। यहाँ पे जितनी भी सर्किटरी लगी रहेगी पैरेलल रहेगी, इस नोड से जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सब पैरेलल में ही अरेंज होंगे। तो यहाँ देखिए सब पैरेलल में अरेंज है। इसी तरीके से जब एक्स वन डिस्प्लेसमेंट लेंगे और एक्स वन डिस्प्लेसमेंट नोड वी वन को डिनोट कर रहा होगा, तो जितने भी कंपोनेंट्स एक्स वन से जुड़े होंगे उनको हम लोग लगा देंगे। तो M1 डिनोट कर रहा होगा बेसिकली हमारा किसको, कैपेसिटेंस को। K1 किसको डिनोट कर रहा होगा, 1/L1 को डिनोट कर रहा होगा। और इसी M1 वाले जो डिस्प्लेसमेंट नोड है यहाँ से ही हमारा क्या हो रहा है, B1 और K1 वो ऑलरेडी B1 और K2, यहाँ पे B1 और K2 को हम लोगों ने डायरेक्टली एनालाइज कर लिया। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो आसानी से, और किसी को कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। बहुत बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा अगर आप इम्फोसिस प्रॉपरली दोगे तो आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फंडामेंटल हमारा यही है, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब क्लासगो एजुकेशन ऑनलाइन यूट्यूब लर्निंग चैनल एंड लाइक दिस वीडियो फॉर अ थैंक्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, ओके। एंड सो कीप अपडेट एंड वी विल बी मीटिंग अगेन इन आर नेक्स्ट वीडियो।